हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीटी चे अकेडमी आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम 5 क्वेश्चन सीरीज का अगला पार्ट करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यह क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं और लास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, ऐसा था चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ब्लैक एंड प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। सेकेंड है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा और एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। थोड़ा स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। फोर्थ है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में आया क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिए। 5 सेकेंड समय आपके पास में। आंसर हमारा करेक्ट हो या पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंशिक पुनर्वलन। फर्स्ट ऑप्शन है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। सेकंड है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। थर्ड है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। फोर्थ है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कर्म प्रभावी होता है। क्वेश्चन सीटेट 2012 में हुआ है, तो आंसर दीजिए। 5 सेकंड का समय आपके पास में, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहां पे, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो आंसर थर्ड हो जाएगा, टिक करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैन फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। सेकेंड है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। थर्ड है, अनुरूपित शिक्षण। फोर्थ है, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। क्वेश्चन सीटेट 2012 में हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्कैनिंग फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है, तो आंसर दीजिए। 5 सेकंड का समय आपके पास में। आंसर करेक्ट हो जाएगा, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहुत संदर्भों में अनुपयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। सेकंड है, प्रकरणों की विविधता उन्हें परंपरागत पाठ्यचर्याओं से संबोधित की जाने की आवश्यकता है, से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। थर्ड है, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। फोर्थ है, पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड का समय आपके पास में। यह क्वेश्चन भी सीटेट 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिए। तो आंसर यहां पे करेक्ट होगा हमारा, यहां पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान के बहुत संदर्भों में अनुपयोगी करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। जैसे कि यहां पे एक वर्ड आया हुआ है अवसर, अगर इस प्रकार के आपको वर्ड मिल जाते हैं, ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, स्वयं करना, तो ये वर्ड पॉजिटिव होते हैं, तो ऐसे वर्ड आपको मिल जाए ऑप्शन में, तो 99% के इसमें हमारे आंसर इसका करेक्ट होते हैं। जैसे कि इसमें आया हुआ है फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे शिक्षार्थी जो संवर्धन ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, निष्पादन परिहार अभिविन्यास। सेकंड है, कार्य परिहार अभिविन्यास। थर्ड है, निपुणता अभिविन्यास। फोर्थ है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिए। 5 सेकंड का समय आपके पास में, तो आंसर करेक्ट हो गया यहां पे हमारा, निष्पादन उपागम अभिविन्यास फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोध में
सन्निहित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वस्तु, व्यक्ति या घटना से प्रत्यक्ष अनुभव। सेकंड है वस्तु, व्यक्ति या घटना की कल्पना। थर्ड है व्यक्तियों को नियंत्रित करने की क्रिया। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय है। यह क्वेश्चन जे टेट 2012 में आए हुए क्वेश्चन है। आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहां पर, हमारा फर्स्ट वस्तु, व्यक्ति या घटनाओं से प्रत्यक्ष अनुभव, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रभावी ज्ञान अर्जन संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है किसी विषय पर अभिव्यक्ति ध्यान का। सेकंड है ज्ञान अर्जन के द्वारा बुद्धि के प्रयोग का। थर्ड है एक लक्ष्य या लक्ष्यों की निश्चितता का। फोर्थ है ये सभी। यह क्वेश्चन भी जे टेट 2011 में आए हुए क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, ये सभी पिक करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक व्याख्यात शिक्षा शास्त्री है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेम वेल, सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड है जॉन स्टॉल्ट, फोर्थ है थॉर्नडाइक। क्वेश्चन जे टेट 2011 में आए हुए क्वेश्चन है ये। आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहां पे फोर्थ, थॉर्नडाइक ने यह ज्ञान प्रभावी या प्रभावी ज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक व्याख्यात शिक्षा शास्त्री ने दिया है। आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्रों में फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक शक्ति बढ़ती है, सेकंड है मानसिक शक्ति बढ़ती है, थर्ड है परिश्रम करने की भावना बढ़ती है, फोर्थ है आत्मनिर्भरता पैदा होती है। ऑप्शन थोड़े धुंधले हैं, दिखाई दे रहे हैं फिर भी। तो यह क्वेश्चन बी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। जब भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, यदि छात्र स्वयं अपने हाथों से करेंगे तो उनमें आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। सेकंड है समानता और अंतर देखने और सदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। थर्ड है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रिया को याद करने के योग्य बनाना। फोर्थ है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। यह क्वेश्चन सी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिए। तो आंसर करेक्ट होगा इसका कोई, हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है नई जानकारी को पूर्व ज्ञान जानकारी से जोड़ना सिखाने को समृद्ध बनाता है, सेकंड है पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है, थर्ड है यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, फोर्थ है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। क्वेश्चन सी टेट 2011 में आया हुआ है। आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा नई जानकारियों को पूर्व जानकारियों से जोड़ने सीखने को संबद्ध बनाता है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सेकंड है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावी नहीं होता है। थर्ड है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। फोर्थ है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। तो सी टेट 2011 में आए क्वेश्चन है यह भी। तो
तो आंसर दीजिए 5 सेकंड का समय आपके पास में। तो यहां पे आंसर ये करेक्ट होगा हमारा यहां पे फर्स्ट, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है सीखने का सदृशता नियम, सेकंड है सीखने का प्रभाव नियम, थर्ड है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, फोर्थ है सीखने का तत्परता का नियम। यह क्वेश्चन सी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर दीजिए 5 सेकंड का समय आपके पास में। आंसर हो जाएगा हमारे यहां पे सीखने का सदृशता का नियम, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, टिक करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखना संबंध हो सकता है यदि फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थियों एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, सेकंड है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, थर्ड है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, फोर्थ है कक्षा में अवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन सी टेट 2011 में हुए क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिए, आंसर यहां पे हो जाएगा हमारा करेक्ट फर्स्ट, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, यह सीखना समृद्ध हो सकता है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ समृद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र, सेकंड है सामाजिक दर्शन, थर्ड है मीडिया मनोविज्ञान, फोर्थ है शिक्षा मनोविज्ञान। यह क्वेश्चन भी सीटेट 2012 में आया हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा 11 में आया हुआ है। तो आंसर दीजिए 5 सेकंड समय आपके पास में। तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा? फोर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास होता है या मिलता है जिससे कि इससे शिक्षकों द्वारा छात्रों के उद्देश्यों को पता करके उनके बारे में संबंध करने या संबंध करने में सहयोग मिलता है। तो आंसर इधर करेक्ट हुआ इसका क्वेश्चन हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है, फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, सेकंड है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, थर्ड है स्वयं अनुशासन और नियंत्रण, फोर्थ है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। यह क्वेश्चन भी सी टेट 2011 में आया क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिए 5 सेकंड समय आपके पास में। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना आत्मनियम की ओर संकेत करता है। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? फर्स्ट ऑप्शन है सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं, सेकंड है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, थर्ड है अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, फोर्थ है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में आया हुआ है। तो आंसर दीजिए यहां पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे हमारा सेकंड, यह व्यवहार का अध्ययन सीखना है, टिक करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, ऑप्शन देखेंगे यहां पे। फर्स्ट है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में विद्यार्थियों की भूमिका पर बल देता है, सेकंड है सूचना को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है,
थर्ड है शिक्षक की प्रभावितशाली भूमिका पर बल देता है। फोर्थ है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। क्वेश्चन सीटेट 2011 में आया हुआ है। तो आंसर दीजिए यहां पे, आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहां पे, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। सेकंड है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। थर्ड है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। फोर्थ है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। सीटेट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड है आपके पास में। आंसर करेक्ट होगा यहां पर हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा अक्षमता के अनुप्रयोग विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पे, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र साधन है जहां अधिगम प्राप्त होता है। फर्स्ट सेकंड है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। थर्ड है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। फोर्थ है अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर करेक्ट होगा शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र साधन है या स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो आंसर हमारा यहां पर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। सेकंड है पावलोव। थर्ड है जिन प्याजे। फोर्थ है बाइगोस्की। क्वेश्चन सीटेट 2011 में आया हुआ है ये। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि सीखने के सिद्धांत किस को बढ़ावा दिया या किसने इसे बढ़ावा दिया है। तो आंसर दीजिए यहां पर। तो यहां पर करेक्ट आंसर हुआ यहां पर हमारा फर्स्ट, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी ने। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। सेकंड है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विविधित करता है। थर्ड है एक दिशाई रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। फोर्थ है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। यूपीटेट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। आंसर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन सही है। तो आंसर हमारा यहां पे हुआ करेक्ट, नए ज्ञान या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो आंसर हो जाएगा यहां पे हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। फर्स्ट ऑप्शन है बहुत से तरीकों से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। सेकंड है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। थर्ड है बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। फोर्थ है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में आया हुआ है ये। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर हमारे यहां पे हो जाएगा करेक्ट, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा यहां पे हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रकरण में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है निषेधात्मक। सेकंड है अग्र सक्रिय। थर्ड है संवेदनात्मक। फोर्थ है उदासीन। यह क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में आया है। आंसर दीजिए यहां पे, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो आंसर ये करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड, अग्र सक्रिय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। सेकंड है बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की। थर्ड है बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की। फोर्थ है बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो
तो क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक की भूमिका क्या है, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर हमारे यहां पर हुआ करेक्ट, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा यहां पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परामर्श का उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को समझाना, सेकंड है बच्चों की कमियों का कारण पता करना, थर्ड है बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, फोर्थ है ये सभी। क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर यहां पे 5 सेकंड समय आपके पास में, तो आंसर यह करेक्ट होगा यहां पे हमारा फोर्थ हो जाएगा। परामर्श का उद्देश्य बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों को पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चा किस प्रकार सीखता है, फर्स्ट ऑप्शन है पुस्तकें पढ़कर, सेकंड है परिचर्चा द्वारा, थर्ड है प्रश्न पूछकर, फोर्थ है कई प्रकार से। यह भी क्वेश्चंस यूपीटेट 2011 में आए हुए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यह भी, तो आंसर दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा कई प्रकार से, फोर्थ आंसर हो जाएगा कई प्रकार से। कैसे, क्योंकि यहां पे बच्चा सीखता है, पुस्तकों से भी सीखता है, परिचर्चा से भी सीखता है और प्रश्न पूछकर भी सीखता है, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा कई प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में सर्वोच्चतम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक, फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, सेकंड है सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, सेकंड है विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, थोड़ा सा धुंधला है विद्यार्थी लिखा हुआ वहां पे, फोर्थ है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। यह क्वेश्चन भी यूपीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में, आंसर दीजिए यहां पे, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग थर्ड, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, थोड़ा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोच्चतम है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, सेकंड है कुछ बच्चे सीख सकते हैं, थर्ड है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, फोर्थ है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। यह क्वेश्चन भी यूपीटेट 2011 में हुआ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिए यहां पे, तो आंसर हमारा करेक्ट होगा एक अध्यापक की दृष्टि से प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहां पे फर्स्ट, टिक करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में कौन सा सर्वोच्चतम है, फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, सेकंड है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, थर्ड है विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, फोर्थ है कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। यह भी क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोच्चतम है, मतलब कौन सा कथन बहुत अच्छा है, इस प्रकार से क्वेश्चन समझेंगे, आंसर दीजिए 5 सेकंड का समय आपके पास में। तो यहां पे आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, तो आंसर करेक्ट होगा हमारे यहां पे सेकंड। तो दोस्तों सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।